Hello, welcome to Sumo Biology. Here is a question that is from your NEET 2021 question paper. Question says, which of the following stages of meiosis involves division of centromere? So, इनमें से किस स्टेज पे मियोसिस की किस स्टेज पे डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है? तो मियोसिस क्या है? मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन है और मियोसिस के अंत में आप देखेंगे कि जो मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ, क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे. डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बिकम हाफ. तो अगर यहाँ पे 24 क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर सेल में 12 क्रोमोसोम हो जाएंगे, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं मियोसिस को. मियोसिस हम देखते हैं दो फेज में होता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. मियोसिस वन को आप बांट सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. इसी तरह से मियोसिस टू को हम लोग बांट सकते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टेलोफेज टू. इस तरह से हम लोग इसको बांटते हैं. तो आपसे पूछा गया कि मियोसिस की किस स्टेज में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर क्या हो रहा है. सेंट्रोमियर क्या? तो क्रोमोसोम में आप देखेंगे कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर? मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज सेकेंड और एनाफेज सेकेंड. तो एनाफेज आप देखेंगे कि एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगी, क्योंकि जो हम लोग का पहला मियोसिस है, मियोसिस फर्स्ट में स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर नहीं हो रहा. इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम एज इट इज़ कंप्लीट पूरे के पूरे डॉटर सेल में चले जाते हैं. मियोसिस टू में, मियोसिस टू की प्रोफेज में आप देखेंगे कि स्प्लिटिंग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एनाफेज टू में, मियोसिस टू की एनाफेज टू में ये स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगी और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये एक दूसरे से स्प्लिट कर जाएंगे सेंट्रोमियर के टूटने से, स्प्लिट होने से. ठीक है जी, आइए देखें क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी. मियोसिस इज कम्प्लीटेड इन टू सेपरेट डिविजन्स, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट देयर इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. मियोसिस फर्स्ट में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज दस रिड्यूस टू हाफ. तो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो कम्प्लीशन, मियोसिस फर्स्ट एक फेज कम्प्लीट होता है, उससे जो डॉटर, दो डॉटर सेल बनती हैं उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है. द सेंट्रोमियर स्प्लिट ड्यूरिंग मियोसिस टू. मियोसिस टू में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा एट एनाफेज टू स्टेज, और एनाफेज टू स्टेज में होगा. दस ड्यूरिंग मियोसिस टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल्स रिमेन सेम एज ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ मियोसिस टू. तो अब जो है मियोसिस टू में जो फर्दर दो डॉटर सेल्स बनी, बल्कि ग्रैंड डॉटर सेल्स बनी अगर देखा जाए तो, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने पेरेंटल सेल के समान होगा, अपने पेरेंटल सेल के समान होगा. ठीक है जी. और एज द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट विच इज एग्जैक्टली अ हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ओरिजिनल पेरेंट मदर सेल. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारी पेरेंटल सेल है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई, ये दो डॉटर सेल बनी, ये अगले मियोसिस टू के लिए ये पेरेंटल सेल हो जाएगी. अब इनमें फर्दर हुआ मियोसिस टू और फिर से दो डॉटर सेल बन गई, तो अल्टीमेटली वन पेरेंटल सेल गिव राइज टू फोर डॉटर सेल, फोर ग्रैंड डॉटर सेल रादर आई शुड से, या फोर डॉटर सेल कह लीजिए. तो यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, 23 हो जाएंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस, और मियोसिस टू के बाद 23 ही रहेंगे, फर्दर हाफ नहीं हो सकते. ठीक है जी. तो मियोसिस के स्टार्ट में जो पेरेंटल सेल है उसमें जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सपोज 40 हैं, तो मियोसिस फर्स्ट के कम्प्लीशन के बाद 20-20 हो गए, और मियोसिस टू के कम्प्लीशन के बाद वो 20-20 ही रहेंगे, 10 नहीं हो जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा. तो मियोसिस सेकंड में, मियोसिस सेकंड की एनाफेज टू में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा. पेज नंबर 169 आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी, आपके क्लास 11 की एनसीईआरटी बायोलॉजी में इसको एक्सप्लेन किया गया. तो आंसर है एनाफेज टू. थैंक यू.